और उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीधे जापान से। आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज, जापान में तेज भूकंप के बाद सुनामी आने की भी खबर सामने आई है। और जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। और अब खबर आ रही है कि भूकंप के बाद जापान के कई इलाकों में सुनामी आ गई है, जिसके बाद जापान के कई जगह रेल सेवा को रोक दिया गया है। साथ ही खबर आ रही है कि भूकंप का बड़ा झटका लगने के बाद 21 छोटे झटके भी लगे हैं। तो बड़ी खबर, उस वक्त सुनामी वहां तक पहुंच चुकी है, रेल सेवाएं जो है वो बाधित हुई हैं, ऐसे में उनको रोकना पड़ा है। और 7.6 की तीव्रता का यह भूकंप था, जिसके बाद कई इलाकों में नुकसान भी है। जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही है वो भी डराने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जापान जो कि जिसका जो सिचुएशन है, जहां पर वो स्थापित है, उसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। और ऐसे में कई सारे भूकंप के झटके वहां पर महसूस किए जाते हैं। इससे पहले कई बड़े भूकंप वहां पर आ चुके हैं, लेकिन आज का जो भूकंप वहां पर महसूस किया गया, आज साल का पहला दिन है, लोग कल ही न्यू ईयर उन्होंने मनाया होगा, लेकिन आज 7.6 तीव्रता का ये बड़ा भूकंप वहां पर महसूस किया गया, जिसके बाद जापान से जो तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से सब कुछ कांपता हुआ नजर आ रहा है। जो सड़कें हैं उनमें दरारें पड़ चुकी हैं, दीवारों में दरारें देखने को मिली हैं। और ये दफ्तर के अंदर की आप तस्वीर देख रहे होंगे, कुर्सियां खाली हैं, कोई वहां मौजूद नहीं है, क्योंकि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसके साथ ही चार तस्वीरें भी आप देखिए, भूकंप की वजह से किस तरीके से आग लग गई है, सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और भूकंप की जो पहली तस्वीर है, दफ्तर पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं, धरती हिलती हुई, उसमें कंपन महसूस होता हुआ साफ नजर आ रहा है। और भूकंप की वजह से ही आग भी लगी है। देखिए, जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उनसे काफी तेज ऊर्जा निकलती है, इतनी जबरदस्त वो ऊर्जा होती है कि कई शहरों को बिजली दे सकती है। और ऐसे में उसी की वजह से ये आग लगने के जो मौके हैं वो भी सामने देखने को मिलते हैं। जापान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कई तूफान इससे पहले भी आ चुके हैं, कई तरीके की सुनामी आ चुकी है और भूकंप वहां पर कई बार आ चुका है, लेकिन आज जो भूकंप आया उसकी जो तीव्रता थी 7.6 यहां पर मापी गई है। 2011 में जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता 9 थी, यानी कि आज के भूकंप के मायने बहुत ज्यादा वहां पर महसूस की गई थी। इसके अलावा भूकंप के लिहाज से जापान बेहद संवेदनशील देशों में भी आता है। जो एरिया इसका है, जहां पर ये लोकेटेड है, जहां पर स्थित है जापान, वो बेहद ही संवेदनशील माना जाता है। और भूकंप के तेज झटकों की वजह से आज ही वहां पर अलर्ट जारी किया। इसके अलावा जापान में 7.6 का ये भूकंप था। और अब खबर आ रही है कि भूकंप के बाद जापान के कई इलाकों में सुनामी भी आ गई है, जिसके बाद जापान में कई जगह रेल सेवा को रोक दिया गया। और साथ ही खबर यह भी है कि भूकंप का बड़ा झटका लगने के बाद 21 छोटे झटके भी लगे हैं, यानी कि जो आफ्टर शॉक्स हैं, 21 छोटे आफ्टर शॉक्स भी वहां पर महसूस किए गए हैं। लोग डरे हुए हैं और ऐसे में वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी ओर से भी लगातार अलर्ट जारी कर दिया गया और लोगों को कह दिया गया है कि सुरक्षित स्थान ढूंढ लें और वहां पर शिफ्ट हो जाएं, जहां पर कम कंपन महसूस हो रही हो वहां पर खुद को सहेज कर रखें, क्योंकि जो बड़ा भूकंप आया है उसकी वजह से नुकसान भी काफी होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा सुनामी का अलर्ट तो जारी किया ही गया था और सुनामी भी तटीय क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है, जिसके बाद अब ये कांपती हुई धरती जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये जापान की है। जापान जो कि रिंग ऑफ फायर पर बसा हुआ है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स वहां पर मिलती हैं, दो टेक्टोनिक प्लेट्स, उस पूरे क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और रिंग ऑफ फायर की वजह से ही वहां पर कई बार उनके कई शहरों में भूकंप के झटके बड़े बड़े महसूस किए जाते हैं। आम भूकंप जापान में कभी नहीं आते, उनकी जो तीव्रता होती है हमेशा 5 से ज्यादा ही पाई गई है।